तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये यूएमटी के ऊपर होने वाला है। सबसे पहली बात क्या है, यूएमटी प्रो के ऊपर मेरा टॉपिक निकालने का पर्पस क्या है कि यूएमटी प्रो ने अपने दो फीचर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अपडेट दिए हुए हैं। सबसे पहली बात क्या है, क्वालिकॉम के लिए दिया हुआ है। क्वालिकॉम के लिए जो हमारा पहले 8.7 आता था, आज 8.8 आ चुका है, ये नया अपडेट दिया हुआ है। दूसरी बात जो सैमसंग का है, सैमसंग का पहले 0.4 आता था, आज सैमसंग ने 0.5 नया अपडेट दिया है। 0.5 अपडेट नया देने का मतलब होता है, इसमें से सीधे सीधे उसने 2023 का जिक्र किया हुआ है कि 2023 की नई सिक्योरिटी है, उसको कैसे तोड़ेंगे उसका तरीका दिया हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन और लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। हम लोग यहाँ पर बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से ट्रेनिंग होता है। मतलब उसमें थ्योरेटिकली भी ट्रेनिंग होती है और उसमें प्रैक्टिकली भी ट्रेनिंग होती है। तो चलिए आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो क्वालिकॉम का जो नया अपडेट आया है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और जो सैमसंग का 0.5 जो नया अपडेट आने वाला है मैं उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक ऊपर। अच्छा, ये सारी चीजें, कोई भी फीचर अपडेट आ जाता है उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, अगर आप देखेंगे जैसे सैमसंग का मेरे पास ऑलरेडी पहले से, लेकिन सैमसंग का ऑलरेडी जब पहले से है या क्वालिकॉम का है ये भी मेरे पास पहले से है, लेकिन ये अपडेटेड नहीं है, ये फीचर अपडेट नहीं है। अपडेट में क्या आया है मैं आपको बताता हूँ। अपडेट फीचर को ओपन करने के लिए सबसे पहली बात हमारा सिस्टम में नेट कनेक्ट होना चाहिए और आप यूएमटी सपोर्ट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे आप यूएमटी सपोर्ट को ओपन करेंगे, उससे पहले आपको यूएमटी कार्ड, देखो मैंने सिस्टम पे नहीं लगाया है इसलिए कार्ड इज मिसिंग का एरर आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम पे कार्ड को लगा देते हैं। हमने डोंगल को सिस्टम पे लगा दिया है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूएमटी सपोर्ट को ओपन करेंगे। एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग, ओके। ये देखिए अब इसमें नया क्या आया, इसके लिए नए के लिए हम लोग कहां पर जाएंगे, इंस्टॉलर पर जाएंगे। दोस्तों कहां पर जाएंगे, इंस्टॉलर पर जाएंगे। जैसे इंस्टॉलर पर जाएंगे तो इंस्टॉलर पर आने के बाद आप नीचे आएंगे। आप देखिए मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बता देता हूं क्या नया आया है। ये देखिए न्यू न्यू न्यू, जिसमें नया आता है उसमें न्यू लिख करके आता है। इसमें देखिए 8.8 और 0.5, ये दो अपडेट नए आए हैं। पहले हमारा काम इससे होता था, अब अपडेट आ गया है तो हमारा काम किससे होगा, इससे होगा। हम लोग दोनों को डाउनलोड करेंगे और दोनों डाउनलोड करने के बाद उसको यूज करेंगे। पहले हम लोग 8.8 को डाउनलोड करेंगे, ओके करेंगे, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर आप सपोर्ट में जाएंगे, सपोर्ट में जाने के बाद आप सैमसंग 0.5 में जाएंगे, उसके बाद ओके करेंगे, फिर ये भी डाउनलोड हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। क्या दोनों चीज़ों को डाउनलोड कर लेंगे, एक तो सबसे पहली बात क्या है, हम 8.8 है इसको डाउनलोड करेंगे, 0.5 है हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। पहले दोनों को डाउनलोड हो जाने दीजिए, फिर दोनों को हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद उसमें क्या नया आया है, क्या फीचर नई चीज आई है, उस चीज को हम लोग देखेंगे, उस चीज को क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये देखिए दोनों डाउनलोड हो चुका है, इसके लिए आप लोकेशन में जाएंगे। लोकेशन में जाने के बाद यहाँ पर हमारे जैसे 8.8 ये है, इसका ये स्ट्रैक हियर पड़ा हुआ है, और ये 0.5 है, इसका भी स्ट्रैक हियर पड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने इसको इंस्टॉल किया, जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन में सेटअप इंस्टॉलेशन का खुल के आ जाएगा कि भाई ये इंस्टॉल हो रहा है, यस करेंगे। जैसे यस करेंगे तो सेटअप स्क्रीन में इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन चालू होने के लिए थोड़ा सा वेट लगता है, समय लगता है, आप वेट करेंगे, जल्दबाजी ना करें। ऐसा नहीं कि कोई फंक्शन खट 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 आप दबाना चालू कर दें, ताकि जो चीज़ खुल रही है वो भी बंद हो जाए, बीच में ना इधर गिरे ना उधर गिरे, प्रॉब्लम क्रिएट हो। ये देखिए खुल गया ना,
आई एसेप्ट के बाद ये इसको मच्छी भी चलाने लगते हैं भाई। नेक्स्ट जैसे आप इसको इंस्टॉलेशन करेंगे तो पूरा इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद आपके डेस्कटॉप में इसका शॉर्टकट बन के आ जाएगा कि भाई देखिए क्यूसी फायर 8.8 आपके डेस्कटॉप में आ चुका है। जो हमारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा आईएसएफ इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट फिनिश। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर देंगे तो इंस्टॉल करने के बाद आपके स्क्रीन में क्वालिकॉम का इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपने जैसे क्वालिकॉम इंस्टॉल कर लिया उसी तरीके से हम लोग चलो मीडिया टेक का भी सैमसंग जो नया वाला है इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। यस फिर मैं दोनों फीचर को ओपन करके उसके बारे में डिटेल से आपको समझा देता हूँ, क्या चीज नई आई उसके बारे में भी बता देता हूँ। ये इंस्टॉलेशन हमारे स्क्रीन में चालू हो जाएगा। ये सैमसंग का इंस्टॉल हो रहा है 0.5 का, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट फिनिश। उसके बाद फिर हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। ओके क्लोज कर देंगे। ये देखिए पहले हमारा क्वालिकॉम का खुला हुआ है। क्वालिकॉम में देखिए अल्टीमेट मल्टी टूल क्वालिकॉम में क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं। सबसे पहले आसुस जेनफोन 6 ऐड हुआ है, जियोने का MI7 पावर ऐड हुआ है, हाइनेस ऐड हुआ है, होनर का ऐड हुआ है, और लिनेवो ऐड हुए, टैबलेट के ऐड हुए, LG के कुछ मॉडल ऐड हुए हैं, LTE का मोबाइल फ़ोन है, माइक्रोमैक्स का मोबाइल फ़ोन है, नोकिया के। तो मतलब ये सारे मोबाइल फ़ोन कुछ फीचर हैं जो हमारे इसमें क्या हुए ऐड हुए हैं। अपडेटेड इंटरनल डाटाबेस मतलब क्या क्या चीज़ ऐसा है, एड रिसोर्सेज रीसेट फंक्शन मतलब क्या सारी चीज़ें हैं जो इसमें नई नई अपडेट हुई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर खुल करके आ गई हैं। जो बता रहा है कि ये सारी चीज़ें भाई ये फीचर अपडेट आ चुके हैं और इनको आप इनके माध्यम से जो ये मोबाइल फ़ोन नहीं कर पा रहे थे या आपसे वापस जा रहे थे या किसी और टूल के माध्यम से हो रहे थे तो वो भी आपके इसके माध्यम से आपके हो जाएंगे। तो ये हमारा अपडेट आ गया। अब बाकी तरीका वही है कि आप फ्लैशिंग करना है, रॉ पैच फाइल को लोड करेंगे, फ्लैशिंग करेंगे, रीड एंड टूल में जाएंगे, रीड एंड टूल के माध्यम से जो भी मोबाइल फ़ोन आएगा MI का मोबाइल फ़ोन आएगा तो ऐसे कनेक्ट कराएंगे, फॉर्मेट FS ले लेंगे, कोई दूसरा मॉडल लेने की जरूरत नहीं है। आएंगे तो ये हमारा जो फीचर क्या बढ़ गया है, यहाँ पर देखेंगे जो हमारा फीचर बढ़ गया सिक्योर बूट, ये हमारा नया आ गया। यानी पहले 8 पॉइंट जो आपका जो 7 आता था उसमें सिक्योर रीसेट का ऑप्शन नहीं आता था, सॉरी अब सिक्योर रीसेट का ऑप्शन बढ़ गया है। सिक्योर रीसेट करने से भी हमारा मोबाइल फ़ोन क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ से फॉर्मेट FS हो जाता था, वीवो का मोबाइल फ़ोन हो जाता है, यहाँ सिक्योर रीसेट का फीचर बढ़ गया है। तो आप मोबाइल फ़ोन में सिक्योर रीसेट पर क्लिक करेंगे तो भी आपका मोबाइल फ़ोन रीसेट हो जाएगा। कोई ऐसा मोबाइल फ़ोन आएगा तो मैं उस पर एक्सपेरिमेंट करके रिपेयर करके उसका भी वीडियो मैं आपको डालूंगा ताकि आप लोग ट्रस्टेड हो जाए कि प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहा है। तो यहाँ से भी आप मोबाइल फ़ोन कर सकते हैं। बाकी FRP हटाना, यहाँ से FRP हटा सकते हैं, पैटर्न रीड कर सकते हैं, रीड फर्मवेयर कर सकते हैं, वीवो को मोबाइल फ़ोन कर सकते हैं, MI के मोबाइल फ़ोन में मॉडल लेने की जरूरत नहीं है, बाकी कंपनी के मोबाइल फ़ोन में ऐसे आपको मॉडल लेना पड़ेगा। मॉडल लेने के बाद उस मॉडल को आप सिलेक्ट करके फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये क्वालिकॉम का है। क्वालिकॉम के माध्यम से जो भी क्वालिकॉम के CPU के मोबाइल फ़ोन आते हैं, MI, ओप्पो, वीवो, रियलमी, टेक्नो, लावा, कार्बन, जो भी फ़ोन आते हैं सभी फ़ोन को आप रिपेयर कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं जो हम अपने सैमसंग ऊपर कि सैमसंग का ये देखिए सैमसंग का नया क्या अपडेट आया है। सैमसंग ने भी अपना अपडेट निकाला हुआ है।
तो जब सैमसंग ने अपडेट निकाला हो, तो सैमसंग के जो भी मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन को हम लोग यहाँ से उसको रीसेट कर सकते हैं। और रीसेट करने का मतलब होता है सैमसंग का कोई भी मोबाइल फोन आता है उसको, तो पहली बात आपको हार्ड रीसेट उसको वॉल्यूम प्लस माइनस बटन से ही करना पड़ेगा। और उस मोबाइल फोन में हार्ड रीसेट करते समय कोई पैटर्न पासवर्ड नहीं मांगता। ओप्पो वीवो तो फोन को रीसेट ही नहीं करने देते, वो रीसेट करते समय ही पासवर्ड मांगने लगते हैं। तो फोन को फॉर्मेट रीसेट कर देंगे तो कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आप मोबाइल फोन में FRP लग जाएगी रीसेट करने के बाद, तो वो आप इसके माध्यम से हटा सकते हैं। देखिए नया फीचर क्या आया है, चलो हम चलते हैं अपने टूल में जाएंगे। टूल में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 2023, ये 2023 ही हमारा न्यू फीचर है। ये न्यू फीचर आया हुआ है। ये न्यू फीचर में 2023 का नया दिया हुआ है। 2023 में ये नया फीचर आया हुआ है। और इसके माध्यम से जो 2023 के जो नए मोबाइल फोन थे, जो आप FRP नहीं तोड़ पाते थे, यानी हार्ड रीसेट हम किसी अनलॉक टूल के माध्यम से करते थे, वो आप इससे कर सकते हैं। वो इसका फीचर इसमें ऐड हो गया कि जो नए मोबाइल फोन इससे नहीं हो पा रहे थे और ब्रेक रुक जाते थे, तो नई सिक्योरिटी की वजह से फोन अनलॉक टूल से होते थे, वो भी फोन अब इसमें ऐड हो गए हैं। वो भी इसके माध्यम से आसानी के साथ में आप अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन SPD CPU नहीं, सिर्फ वो वाले जिस मोबाइल फोन में आपका कोड काम करेगा, *0*, जिसमें कोड काम करेगा उस मोबाइल फोन का, इसके माध्यम से आप रीसेट कर सकते हैं। तो आप यहां से मोबाइल फोन में अनलॉकिंग कर सकते हैं। बाकी फ्लैशिंग करने के लिए तुम्हारा फ्लैशर वाला ऑप्शन है, आप यहां पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो फाइल को लोड करेंगे। फाइल लोड करने के बाद फ्लैश कर देंगे। फ्लैश करते ही आपके मोबाइल फोन में फ्लैशिंग हो जाएगी। यहाँ पर टूल्स में जा करके ये मोबाइल फोन में FRP हटाने के लिए फीचर दिया हुआ है। पहले आप इससे करेंगे, अगर इससे नहीं होगा तो आप इससे करेंगे। देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख करके आएगा, फोन कनेक्ट करिए 2012 के नहीं, 2023 की न्यू सिक्योरिटी के लिए। देखो FRP बाईपास 2023 मेथड लिखा हुआ। न्यू सिक्योरिटी के लिए ये हमारा फीचर आया हुआ है। तो जो भी मोबाइल फोन आते हैं, उस मोबाइल फोन को हम यहाँ के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसको रीसेट कर सकते हैं। और क्या रीसेट कर सकते हैं, उसमें FRP को रीसेट कर सकते हैं। और सैमसंग के मोबाइल फोन में पासवर्ड है, पैटर्न है, ऐसे ही टूट जाता है, रीसेट करने से टूट जाता है। लेकिन उसमें अगर FRP लग जाती है, तो FRP तोड़ने के लिए आपको डोंगल की मदद लेनी पड़ती है। इसके माध्यम से मोबाइल फोन को हम लोग FRP को हटाते हैं। तो ये हमारा जो नया फीचर आया हुआ है, ये 2023 का नया फीचर आया हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने समझा है कि क्वालिकॉम का जो 8.8 आया है उसमें क्या नया फीचर आया हुआ है, सैमसंग का जो 0.5 आया है उसमें क्या नया फीचर आया है उसको आप लोग, बाकी करने का तरीका वही है, फीचर क्या बढ़ गया है उसके बारे में दोस्तों मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है। और मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी सारी वीडियो हैं, सारी वीडियो को देख करके अच्छे से समझ में आ रही होंगी, उन वीडियो को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। मेरे पास आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं और फ़ोन करने के साथ साथ मैसेज भी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है कि आप लोगों को जब मैं सिखाता हूँ, आप लोग सिखाने के बाद उनसे मोबाइल फ़ोन को ठीक करते हैं और अपनी शॉप पर बैठ करके ही अपने लिए दो पैसे के लिए इनकम को जनरेट करते हैं। मैं सारे स्टूडेंट के लिए सॉफ्टवेयर इतना इजी, इतना आसान बनाना चाहता हूं कि उनके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन है, दुनिया जान का कोई भी मोबाइल फ़ोन आए, अगर उस मोबाइल फ़ोन में लॉक लगा है तो चुटकियों में लॉक खुल जाए, एक बार में वन क्लिक में लॉक खुल जाए। लेकिन उसका तरीका हमारे स्टूडेंट को सीखना पड़ेगा, एक बार उसका मेथड समझना पड़ेगा। जब एक बार सर आपको मेथड समझ में आ जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं कहना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, आज मेरे पास दिल्ली से फ़ोन आया था, एक सर हैं जो MI सर्विस सेंटर को चलाते हैं, और आज उन्होंने जैसा अपना वाक्य बताया, मुझे बड़ा, मैं हैरान भी हुआ और मुझे सोच कर अच्छा भी लगा कि चलिए ठीक है कि लोग अभी इस लाइन में अपने आप को मूव भी करें। किस उन्होंने सर ने बताया कि मैं सर इस लाइन में काफ़ी 17-18 साल से मैं इस लाइन में काम कर रहा हूँ और काफ़ी मेरी एज हो गई, ओम प्रकाश नाम है उनका, काफ़ी मेरी एज हो गई और एज होने के बाद मैं फिलहाल इसी लाइन में मैं भी काम करता हूँ, मेरा बेटा भी काम करता है और मेरे साथ में और भी टीम में लोग हैं काम करते हैं। लेकिन हमारा काम सेल का था, हम लोग मोबाइल फ़ोन को सेल करते थे, बाद में अब ऑनलाइन सेल में थोड़ा सा ऐसा इशू आया कि हमारी सेल कहीं ना कहीं डाउन हो गई।
हम लोगों ने खुद ही अपने आप को ऐसा समझा कि लगता है कि हमारी सेल कहीं ना कहीं कम हो रही है। क्योंकि सर देखिए, जब एक ही चीज़ को बेचने वाले एक की जगह 10 लोग हो जाएंगे, तो 10 लोग होने का मतलब जाहिर सी बात है कि हमारी सेल कहीं ना कहीं कम होती है। क्योंकि आपके एरिया में अगर 100 लोग रहते हैं, तो 100 में से 100 लोग मोबाइल फ़ोन खरीदते थे। अब 100 में से अगर 50 लोग ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं, तो 85 लोग तो खरीदेंगे, 50 लोगों ने तो पहले ही ले लिया। अब उन्होंने महंगा लिया सस्ता लिया, ये बात मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हमसे काम चला गया, जो हमको 100-200 रुपए मिलने वाले थे, वो दोस्त हमारे पास से चले गए और हम लोग ऑनलाइन मोबाइल फोन को परचेस कर लिया। लेकिन सर्विस का काम ऐसा है, उन्होंने बड़ी बात अच्छी बात बताई कि सर मैं 17 साल से इतना टाइम इस लाइन में दिया, अगर मैं जो सर्विस की लाइन से भी जुड़ा था, सर्विस की लाइन में क्या होता था कि मेरे पास रिपेयरिंग के लिए एक लड़का रहता था, वो कभी कुछ बच्चे सैलरी पे रहते थे, 8,000 15,000 14,000 ऐसे मैंने लोगों को सैलरी भी दिया। कभी कुछ लोग ऐसे जुड़े जो आधे आधे पे काम किया, लेकिन फिलहाल उनमें से कोई भी ऐसे लोग नहीं थे जो परमानेंट टिके। कुछ दिन काम किया चले गए, उन्होंने अपना सेटअप बना लिया, लेकिन ऐसे छोड़ते जाते रहे छोड़ते जाते रहे। तो मेरा सर्विस का काम चला रुका चला रुका चला रुका चलता रहा, लेकिन मुझको बाद में एहसास ये हुआ कि उनके माध्यम से मैं भी कुछ चीज़ें सीखता रहा। कि जैसे मैं कुछ काम कर लेता था कि उसको देखते देखते मैं कुछ सेटिंग सीख गया, कुछ मोबाइल फ़ोन को फॉर्मेट करने का तरीका सीख गया, मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग जैक लगाने का तरीका सीख गया। ऐसे मैंने धीरे धीरे करके उनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखी। लेकिन आज सीखने के लिए मेरे लिए इतना हेल्पफुल हो रहा है कि सर मैं आपको खुद दिल से बताऊं कि सर्विस के काम में मुझे इतना अच्छा लगा कि सर्विस एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करती है। ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन का कोई बाप आ जाए, अमेजोन नहीं, फ्लिपकार्ट नहीं, अलीबाबा नहीं, इनका कोई बाप भी क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी सर्विस का काम उसी के पास लोग जाएंगे जो अपने पास में नजदीक है। मोबाइल फोन दूर से खरीद सकते हैं, लेकिन ठीक वो वहीं कराएगा जहां पर अपने पास में जिसको जानता हो, दूसरे के पास नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाना चाहता? इसीलिए नहीं जाना चाहता, वो मोबाइल फोन उसके पास छोड़ देगा, क्या कर देगा, क्या निकाल लेगा, बड़ा दुनिया भर की धारणाएं होती हैं। तो अपने पास में जाना पसंद करता है। और हर एक आदमी लोकल दुकानदार जब अपने अपनी दुकान को खोलता है, वो अपनी शॉप ओपन करी, शॉप ओपन करने के बाद वो चाहता है कि मेरे पास जो 10-15-20 किलोमीटर का जो एरिया है, कोई मेरे पास, भाई मैं अगर मैंने बिहार में दुकान खोली है, नालंदा जिला में दुकान खोली है, दिल्ली में अगर मालवीय नगर में दुकान खोली है, और तो इसका मतलब होता है कोई कानपुर का आदमी तो सामान लेने वहाँ जाएगा नहीं, वहाँ पर आसाम का आदमी तो सामान लेने जाएगा नहीं, कोई ऐसे घूमते फिरते चला गया तो चला गया, वैसे तो कोई नहीं जाएगा। तो आदमी आशा यही करता है कि हमारे जो 10-15-20 किलोमीटर के जो भी एरिया के जो लोग होंगे, वो हमसे सामान परचेस करेंगे। लेकिन वो फिलहाल वो सामान मंगा रहे हैं ऑनलाइन से। जब वो ऑनलाइन से सामान मंगा रहे, तो हमारी सेल कहीं ना कहीं डाउन होती जा रही। लेकिन हमारा सेल तो डाउन हुई, लेकिन हमारा सर्विस का काम थोड़ा सा बढ़ा। कि जैसे पहले मोबाइल फ़ोन में काम कम आता था, अब टच ग्लास काम्बो का काम, मेरे पास 5-5 मोबाइल फ़ोन रखे, हम रिपेयर नहीं कर पाते, कहीं दूसरी जगह से भेज करके रिपेयर करा लेते हैं, 200-400-500 बच जाता है। एक मोबाइल फ़ोन 12-14 हज़ार का मोबाइल फ़ोन सर हम बेचते हैं, तो हमको 200-250-300 रुपये मिलता है, उस ऊपर से कोई उधार के लिए बात करने लगता है। लेकिन रिपेयरिंग में एक मोबाइल फ़ोन में हम सर ने ग्लास चेंज कर दिया, तो भी समझ लीजिए सर जी 250, जबकि मैंने मार्केट में दे दिए, पता नहीं उसने क्या लगाया और क्या ना लगाया, वैसा बोला उन्होंने, और हमने कस्टमर से 400-500 रुपये लिए, 200 रुपये कमा लिए। 10 हज़ार का बेचा, तब 150 रुपये कमाए, हमने मान लो किसी को ठीक कराई दे दिया, 250 रुपये लगे, तब भी हमने 200 रुपये कमा लिए। तो ये काम किस चीज़ का है? सर्विस का काम है। कि बहुत कम लगा करके ज़्यादा कमाना या ना लगा करके कमाना, ऐसा काम दोस्त सिर्फ सर्विस में ही हो सकता है। तो उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर किया, हमको भी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग भी अगर इस तरीके से अगर सर्विस के लाइन में जुड़ना चाहते हैं, तो सर्विस के लाइन में आपको रिपेयरिंग का मास्टर बनना पड़ेगा। अगर आपको दोस्तों रिपेयरिंग का मास्टर बनना है, तो आइए ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करिए। मैं आपका इस बात से लिए वादा करता हूँ कि आप जब मेरे पास आएंगे, तो हम आपको ए से लेकर जेड तक पूरा कंप्लीट सिखा करके भेजेंगे, पूरा फुल ट्रेनिंग करके भेजेंगे। और मैं वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कल हमारे पास एक लोग ज्वाइन करने वाले हैं, कमरुद्दीन, जो अमेठी के रहने वाले हैं, और ऑलरेडी उन्होंने आज हमसे प्रॉमिस किया हुआ है कि सर हम कल आपके पास आ जाएंगे और मोबाइल फ़ोन ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन करेंगे। उन्होंने अपना एक रिलेटिव है, उनको ज्वाइन कराने के लिए मेरे पास पहुंचा हुआ है। वो 1 साल से लगातार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ों को सीखा, काफ़ी चीज़ों को कह रहे हैं कि सर मेरा समझ लो ऐसा मेरा डाउन हो गया था कि मैं थोड़ा सा सामान ही बेचता था, और बाद में मैं रिपेयरिंग का काम मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था, इसलिए कम कर दिया था या कहीं दूसरे को दे देता था, मेरा मन नहीं करता था करने का। क्यों? क्योंकि हमसे होता होता था नहीं, एक आध मोबाइल फ़ोन खराब और हो गया तो मेरा दिमाग खराब हो गया। लेकिन जब से सर मैं आपसे 1 साल से जुड़ा हूँ,
आपके चैनल से मैंने सारी वीडियो मैंने रट डाली, मैंने कॉपी बना लिया, नोट्स बना लिए, सब कुछ अच्छे से लिख डाला, तो उतना करने के बाद आज मुझे सर ऐसा एहसास होता है कि मैं काफ़ी सारा काम कर लेता हूँ, काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन को भी ठीक कर पाता हूँ और मेरा ग्रोथ रेशियो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। तो सर आपके लिए बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरा धन्यवाद कहा। और कल अपने पास एक ऐसे रिलेटिव हैं जिनको मेरे पास ज्वाइन कराना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि सर मेरा तो खैर अब नहीं है कि मैं जब मर्जी तब सीखूंगा आपसे, जितना सीख चुका तो सीख चुका, फिर मैं सीखूंगा, लेकिन एक रिलेटिव हैं उनको कल मेरे पास ज्वाइन कराएंगे और वो मेरे पास पूरा कंप्लीट कोर्स सीख करके जाएंगे। और मैं उनको प्रॉमिस करना चाहता हूँ आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कि जब मेरे पास आएंगे तो पूरा ए से लेकर जेड तक मैं उनको सिखा के ही भेजूंगा। ये मेरे पास हर एक स्टूडेंट के लिए सियोरिटी होती है कि हम हर एक बच्चों को सिखा के ही भेजते हैं, उसको सीखने में 2-4, 5-10 दिन, 15 दिन समय क्यों ना लग जाए, लेकिन हम उसको भी कोई जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग दे करके ही भेजते हैं। तो दोस्तों हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है ये कानपुर जो स्टेशन पड़ता है, कानपुर स्टेशन से मात्र 200-300 मीटर दूरी पर है, आप यहाँ से आ सकते हैं, पैदल वॉकिंग का डिस्टेंस है। यहाँ पर एक मार्केट पड़ती है सागर मार्केट, जो मोबाइल फोन की सबसे बड़ी मार्केट है, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मार्केट भी है। यहाँ पर दुनिया जान के लोग दूर दूर से आते हैं मोबाइल फोन बनवाने के लिए, अपने झोला भर भर के मोबाइल फोन लाते हैं, मोबाइल फोन को बनवा करके ले जाते हैं, ठीक करा करके ले जाते हैं, और हम लोग उनके काफी सारे मोबाइल फोन को ऐसे ही बनाते हैं, हमारे स्टूडेंट लोग बनाते हैं, जिससे हमारे बच्चों को सीखने को मिलता है और आप लोगों को सीखने का मौका मिलता है, और आप यहाँ पर आ करके बहुत अच्छी तरीके से सीख करके जा सकते हैं। तो वीडियो को न लंबा करते हुए हम लोग आगे की वीडियो मिलेंगे और आगे नई चीज़ों के बारे में एक एक करके सीखेंगे। हम आपको जो भी चीज़ सिखाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्लास में भी ट्रेनिंग दिया जाता है, क्लास में जब आप आएंगे तो क्लास में आपको इससे बेहतर आपको ट्रेनिंग मिलेगा, प्रैक्टिकल तरीके से ट्रेनिंग मिलेगा, ताकि एक एक चीज़ करके हम आपको सिखा सकें, क्योंकि वीडियो के माध्यम से शायद मुझे लगता है कि उतना ना हो पाता हो, लेकिन जब आप आएंगे हूबहू बैठेंगे तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।